हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर, एल्कोहल फिनोल ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिव टू रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फेनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। चलिए क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको दो एसिडिक नेचर बताना है, किसका? फेनोल का। मतलब आपको बताना है कि फेनोल एक एसिड है। सेकंड उसी में बोल रहा है कि फेनोल और इथानोल के एसिडिक करेक्टर को कंपेयर कीजिए, मतलब दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है ये आप बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप भले ही 12th में है लेकिन कोई बड़ा कंसेप्ट यूज नहीं है। आप क्लास 10th में चले जाइए, याद कीजिए आप क्लास 10th में क्या पढ़े थे कि जब एक एसिड और एक्टिव मेटल जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ये रिएक्शन मेरा फेनोल शो करता है, दैट मीन्स वो क्या है? एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में कि जब फेनोल OH किससे रिएक्शन करता है? Na के साथ, तो क्या बनाता है? सोडियम फेनोक्साइड O-Na+ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। टू हाइड्रोजन के लिए यहां पे आप टू दीजिए, ये भी टू, और यहां पे क्या होगा? टू होगा। तो ये मेरा क्या है? सॉल्ट, और ये क्या है? H2 हाइड्रोजन गैस है। किससे रिएक्शन कर रहा है? मेटल के साथ। किससे? मेटल के साथ। That means, मेटल के साथ फेनॉल रिएक्शन कर रहा है। कौन रिएक्शन कर रहा है? फेनॉल। तो क्या दे रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। That means, फेनॉल मेरा क्या है? एक यहाँ पे एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड याद कीजिए, आप एक प्रॉपर्टी और पढ़े हैं क्लास 10th में, क्या? कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, किनके साथ? बेस के साथ, तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं। तो अगर फेनोल को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे और सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, दैट मींस फेनोल मेरा क्या है? एक एसिड है। तो देखिए, ये भी रिएक्शन होता है। क्या है रिएक्शन? फेनोल OH, बेस यहां पे मान लीजिए NaOH, ये मेरा बेस है। जब ये रिएक्शन करता है तो फिर से बनता है सोडियम फेनोक्साइड। क्या बनता है? O-Na+ सोडियम फेनोक्साइड और वाटर H2O। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है? कि जो मेरा फेनोल है क्या है? एक एसिड है। तो ये दो रिएक्शन बता रहा है एसिडिक करेक्टर, किसका? फेनोल का। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कंपेयर कीजिए एसिडिक करेक्टर फेनोल और इथेनॉल का। तो चलिए कंपेयर करते हैं। होता क्या है अब पहले समझिए, ये मेरा जो फेनोल है ये एक एसिड कब है, इस बात को समझिए। ओ एच, चलिए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, ये हो गया। अगर हम लोग यहां से एच प्लस को निकाल दें तो एच प्लस जो डोनेट करता है वही तो एसिड होता है। तो यहां पे देखिए ओ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है? दो दो लोन पेयर है, तभी भी दो लोन पेयर, लेकिन एच प्लस को दिया इसलिए इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज, और यहां एच प्लस। सेम केस हम किसके साथ कर सकते हैं? इथानोल के साथ कर सकते हैं। तो CH3CH2OH, क्या ये आपको कैमरा में दिख रहा है? हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए। इसे भी जब हम यहां से H प्लस निकाल दीजिए तो देखिए क्या होता है, CH3CH2O-। अगर ये एसिड है तो ये मेरा कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो क्या बोला, ये क्या कहलाएगा? ये दोनों कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस यानी H प्लस देने के बाद जो बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस। और ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मींस वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा? एसिड होगा। तब अब यहां पे देखिए, फेनोक्साइड आयन में होता क्या है, जब इस पे एक चार्ज आता है ऑक्सीजन, इस पे दो लाइन पे एक नेगेटिव चार्ज, यहां पे रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस, और चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है। देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव यहां पे आके बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज और ये मेरा बॉन्ड। तो फेनोक्साइड आयन में
अकॉर्डिंग ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण यहां पे चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो जितना ज्यादा चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा मॉलिक्यूल क्या होता है, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अब आइए इथेनॉल के केस में, इथेनॉल में देखिए यहां पे ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दैट मींस यहां पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो चार्ज क्या है, एक चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, दैट मींस ये इथेनॉल का जो कंजुगेट बेस होगा ये लेस स्टेबल होगा इन कंपेयर टू फेनोक्साइड का। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, और जितना ज्यादा चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हम बोल सकते हैं फेनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू इथेनॉल। व्हाई? क्योंकि फेनोक्साइड में जो चार्ज है उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस के कारण चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस टाइप से बता सकते हैं। सेकंड, आप ये भी बता सकते हैं, अभी हम क्या देखें कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो यहां पे जो फेनॉल है बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम फेनोक्साइड और वाटर बना रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप इथेनॉल को ध्यान दीजिए, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, इथेनॉल होगा CH3CH2OH, अगर हम इसे रिएक्शन करा दे बेस के साथ NaOH के साथ तो यहां पे रिएक्शन नहीं होता है। तो ये भी बता रहा है कि फेनॉल क्या है, मोर एसिडिक है इन कंपेयर टू इथेनॉल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।